सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करें, कैसे अपनी बॉलिंग के रिदम अच्छा करें, कैसे अपनी लेग स्पिन या बॉलिंग बेसिक्स और अच्छी करें। तो सबसे पहले आपको इन सब के लिए सबसे मेन चीज चाहिए विकेट, एक बॉल, एक क्रिकेट ड्रेस। सबसे पहले अपने को विकेट चाहिए, तो हम ये विकेट लेग स्टंप में 1 2 3 लेग स्टंप पे विकेट लगाएंगे। सो मेरे पास ये एक आर्टिफिशियल मैट है जो कि बहुत यूजफुल रहता है टिप्पा सेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक इमेजिनरी क्रीज बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक इमेजिनरी क्रीज इधर होगी बैट्समैन के लिए, एक बैट्समैन ऑलमोस्ट ऐसे स्टांस लेगा। एंड अब मैं देखूंगा कि बैट्समैन का स्ट्राइड, क्योंकि हमें लेग स्पिन में फ़ायदा या स्पिन बॉलिंग में आपको बैट्समैन को फ्रंट फुट पे लाना होता है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम फ्रंट फुट एक बैट्समैन का इतना होगा, मतलब वैसे इट वेरीज अपॉन हाइट, बट एक आइडिया इतना होगा। तो मैं इस मैट को, आप चाहे तो आप बोन यूज़ कर सकते हैं, मैं स्टार्टिंग में पत्थर यूज़ करता था। तो ये जो टप्पा होगा ये परफेक्ट टप्पा है। ऑल राइट, सो हमारे सब कुछ सेट हो चुका है, बट मैं अपनी सिंगल विकेट की प्रैक्टिस ऐसे तो नहीं करूँगा। सो जस्ट लेट मी गेट चेंज। ओके, सो सबसे पहली जो स्टॉक बॉल होती है एक लेग स्पिनर की, वो होती है खुद लेग स्पिन। तो लेग स्पिन के लिए दो ग्रिप होती हैं, एक ये होती है ट्रेडिशनल ग्रिप, टू फिंगर्स अप, वन फिंगर इन सपोर्ट, टू फिंगर्स वाइड होनी चाहिए। थंब सपोर्ट के लिए आ सकता है, नहीं आ सकता, ये आपने बहुत सारी लेग स्पिन में देखा होगा, लेग स्पिन बेसिक्स में। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ शेन वॉन की जो लेग स्पिन ग्रिप थी, टू फिंगर्स अप, टू फिंगर्स डाउन एंड थंब ऑफ द बॉल। ये इसलिए क्योंकि मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी स्पिन हो रही है, कौन सी अच्छी आपकी ज़्यादा ग्रिप हो रही है। अब बात करते हैं गुगली की। तो गुगली पे वैसे तो हर एक प्लेयर का एक अलग अलग गुगली डालने का तरीका है। मेरा सबसे बेस्ट तरीका है सिर्फ लेग स्पिन वाली ग्रिप रखिए, और जो आपका बैक ऑफ द हैंड है वो रिलीज टाइम पे बैट्समैन की तरफ होना चाहिए लेग स्पिन पे। तो आपका जो पाम है वो फेस के सामने होता है, लेकिन गुगली डालते टाइम आपका ये जो पाम है ये बैट्समैन के फेस के सामने होना चाहिए, ऐसे रिलीज टाइम में। और जहाँ तक की है, मैं एक और एक बहुत अच्छा वेरिएशन मानता हूँ, वो है आर्मर। आर्मर बोले तो आपको लेग स्पिन की ग्रिप पकड़ के बॉल सीधा मार देनी है, ये बॉल तेज़ भी जाएगी और बैट्समैन को डिसीव भी कर सकती है। सो अब लेग स्पिन में सबसे, लेग स्पिन या कोई भी स्पिन हो, कोचेज बोलते हैं स्पिन द बॉल एज हार्ड एज यू कैन, लेकिन मैं कहूँगा कि गिव द बॉल रेप्स एज मच एज यू कैन। जितने आप बॉल में रेप्स डालेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतनी ज़्यादा बॉल स्पिन करेगी उतनी ज़्यादा जिप होगी बॉल में। अगर आप 90 डिग्री से ऐसे लेग स्पिन भी फेंक रहे हैं तो बहुत शार्प टर्न होगी। अगर आप 145 डिग्री से लेग स्पिन फेंक रहे हैं तो जिप होके बॉल स्पिन होगी। अगर आप गुगली डाल रहे हैं तो या तो बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस हो जाएगी या तो बॉल एकदम शार्पली अंदर आएगी। तो गिव द बॉल रेप्स एज मच एज यू कैन, जितना बॉल को आप रिस्ट कॉक एंड रिलीज पे थोड़ा सा पॉज, ये सब आपको मेरे शायद नेट सेशन में दिख रहा होगा। सो वही आपको चीज़ करनी है, बार बार करनी है, तब तक करनी है जब तक आप इसके मास्टर नहीं बन जाते। और मास्टर, बिलीव मी, इसके आप एनी टाइम सुन तो नहीं बनने वाले।